नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा स्टॉक लेके आया हूँ जो कि आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा फायदा देने वाला है। जी हाँ दोस्तों दोस्तों वह शेयर है आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर दोस्तों आज 21.85 रुपए पर बंद हुआ है। दोस्तों आलोक इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो आलोक इंडस्ट्रीज की स्थापना 1986 में हुई थी, यानी कि 35 साल पहले। और इसके जो फाउंडर थे दोस्तों वो सुरेंद्र जीवराज का थे। जी हाँ दोस्तों आलोक इंडस्ट्रीज की दोस्तों बात की जाए तो आलोक इंडस्ट्रीज एक इंडियन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। और दोस्तों इसके प्रोडक्ट के बारे में बताया जाए तो यह एक टेक्सटाइल कपड़ा उद्योग से रिलेटेड कंपनी है दोस्तों। इसका बिजनेस जो इन्वॉल्व है वो है वीविंग, निटिंग, प्रोसेसिंग, होम टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स एंड पॉलिस्टर यार्न्स। जी हाँ दोस्तों और एक बात और, आलोक इंडस्ट्रीज 26% अपना जो प्रोडक्ट बनाती है, 100% जो प्रोडक्ट बनाती है उसका 26% प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है ओवर 90 कंट्रीज। जी हाँ दोस्तों यह अपना 26% माल दुनिया के 90 देशों में पहुंचाती है, वहां बेचती है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है। कंट्री जैसे यूएस, यूरोप, साउथ अमेरिका, एशिया एंड अफ्रीका, यहाँ पे ये ज्यादातर अपना माल जो प्रोडक्ट बनाती है वहां ये सप्लाई करती है। दोस्तों होल्डिंग की बात की जाए तो इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज की 40.01% की होल्डिंग है और JM फाइनेंशियल असेट्स की 34.99% की होल्डिंग है। और दोस्तों यह होल्डिंग बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स में हुई है। जब ये बैंकरप्ट हो गई थी, मतलब ये दिवालिया हो गई थी यह कंपनी, उस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 40.01% इसमें खरीदा और JM फाइनेंशियल लिमिटेड ने 34.99% की के शेयर इसमें खरीदे हैं। मतलब ये कंपनी एक बार दिवालिया हो चुकी थी, उसके बाद यह कंपनी आलोक इंडस्ट्रीज रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में आई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसको टेक ओवर किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड JM फाइनेंशियल ने इसको अपने हाथों में लिया है। अब दोस्तों इतनी बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में आने के बाद इसका बिजनेस बहुत अधिक ग्रोथ करने वाला है और आने वाले समय में इसके शेयर प्राइस बहुत अधिक बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग चाहें तो अभी इसमें पोजीशन बना के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों दोस्तों अभी यह शेयर 21.85 रुपए का है। यही टाइम है अभी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि एक बार ये यहां से बाउंस बैक होगा तो फिर यह रुकने वाला नहीं है। अभी यही टाइम सही टाइम है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आप अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अच्छा फायदा कमा सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही जल्द यहां से बाउंस बैक होता हुआ 25 रुपए तक जाएगा। 25 के बाद 27 रुपए और 27 रुपए के बाद 35 रुपए। जैसे ही 35 रुपए क्रॉस करेगा यह 55 से 60 रुपए पे जाके रुकेगा और 55 से 60 क्रॉस करता हुआ 100 100 पर पहुंच जाएगा। और जैसे जैसे क्वार्टर बाई क्वार्टर इसके रिजल्ट अच्छे आते जाएंगे, यह अपना जो टारगेट है दोस्तों 240 रुपए से लेके 250 रुपए तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को इसे कैश में बाई करना है और इसके शेयर की होल्डिंग को अपने डीमैट अकाउंट में
ले लेना है। जी हाँ दोस्तों, शेयर की डिलीवरी को अपने डीमैट अकाउंट में ले लेना है और इसको अगले 6 से 7 साल तक आपको होल्ड करना है। अगर आप 6 से 7 साल तक इसको होल्ड कर लेते हैं तो दोस्तों यह अगले 6 से 7 साल में 240 रुपए से लेके 250 रुपए के बीच में ट्रेड करता हुआ नजर आने वाला है। तो दोस्तों यह इन्वेस्टमेंट के पर्पस से बहुत ही अच्छा है। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इसमें इन्वेस्टमेंट करके अच्छा फायदा कमा सकते हैं, क्योंकि अब यह कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है और यह 90 देशों में अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है आलोक इंडस्ट्री। तो डरने की कोई बात नहीं है, आप 6 से 7 साल तक इसको होल्ड कीजिए और 240 रुपए से लेके 250 रुपए तक इसका टारगेट दोस्तों देखने को मिलेगा आने वाले 6 से 7 साल में। तो दोस्तों आप लोग चाहें तो इसमें पोजीशन बना के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग अभी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द एक नए स्टॉक पर वीडियो बनाऊंगा जो कि और भी अधिक फायदेमंद देने वाला होगा आप सभी के लिए। तो आप सभी लोग अभी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप मेरे YouTube चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी बताइए कि वह लोग भी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे वह लोग भी मुझसे जुड़ सकें। तो दोस्तों आप सभी लोग अभी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।